मित्रों, आपसे हर कोई व्यक्ति खुश तो नहीं रह सकता, इसलिए इस प्रयास में अपना जीवन मत खराब करना। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, पूरी मेहनत करो और अच्छी संगति करो। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 6 महीने की राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के प्रथम अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं और ये वीडियो देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। कुंभ राशि वालों पर अभी शनि की 7.5 चल रही है और कुंभ राशि के स्वामी शनि जो राशि स्वामी हैं आपके, आपकी राशि में ही उनका गोचर है। धन और आय की बात करें तो धन और आय दोनों भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। तीसरे भाव में आपके मेष राशि में गोचर उनका पूरे 6 महीने रहने वाला है। राशि स्वामी का गोचर प्रथम भाव में आपकी राशि में और गुरुदेव का गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में। राहु का गोचर भी है वहाँ पर, तो गुरु राहु की युति होगी। गुरु चंडाल योग बनेगा आपके तीसरे भाव में। ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम उतने नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि भाग्य का साथ मिल भी सकता है, अचानक लाभ भी वहाँ पर हो सकता है, लेकिन अचानक हानि भी देखने को मिल सकती है। वैसे अगर हम देखें, अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत के बाद भी उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा जितनी मेहनत आप करेंगे। लेकिन अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, दशांतर दशा भी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको अचानक लाभ भी देखने को मिल सकते हैं धन और आय के मामले में। तो धन और आय के मामले में अगर हम देखें कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर तक का जो समय है, मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे सामान्य से बेहतर परिणाम तो आपको मिल ही जाएंगे धन और आय के मामले में। व्यापार और नौकरी की बात करें, दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। और मंगल का गोचर अगर हम देखें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में, तो सप्तम भाव में 1 जुलाई को होगा। 18 अगस्त से कन्या राशि में जाएंगे वो। 18 अगस्त से 16 नवंबर तक का जो समय होगा, वहाँ पर आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। बाकी सारा समय जो है व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। और 18 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक के समय में कुंभ राशि वालों को अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर अचानक हानि और अचानक लाभ के योग भी बनेंगे व्यापार, कारोबार और नौकरी में। अपने कार्य क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। 18 अगस्त से लेकर 16 नवंबर के बीच में आप अपने साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। तो इन 6 महीनों में अगर ये समय आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो बाकी सारा समय आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय बेहतर परिणाम दिखा रहा है और 16 नवंबर से जो समय रहेगा 28 दिसंबर तक का, वो भी बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर व्यापार, कारोबार, नौकरी में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस 18 अगस्त से 16 नवंबर के बीच में आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, अप एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये समय आप याद रखें। यहाँ पर अगर आप कोई व्यापार में विस्तार, कारोबार करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर, वरना वहां पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें कुंभ राशि वालों के, तो परिवार भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर तीसरे भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। आय भाव के स्वामी एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे। अपने घर के बड़ों के साथ कोई संबंध ना खराब हो, इसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। आप ऊर्जावान बहुत रहेंगे और इस कारण उत्साह में आकर कोई ना कोई ऐसी बातें आप कह सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, जहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी ऐसी बातें ना करें क्रोध में आकर, तनाव में आकर, जो आपके वाद विवाद हों। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, तभी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना पारिवारिक जीवन में बेहतर रहेगा। 30 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा दिक्कतें दिखा सकता है। अगर छोटी छोटी बातें होंगी तो वो बड़ी हो जाएंगी। हालांकि नवंबर और दिसंबर में भी आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। आप में क्रोध देखने को मिलेगा, जिद देखने को मिलेगी, तनाव देखने को मिलेगा, इस कारण वहाँ पर भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर तक का समय तो ज़्यादा ही ध्यान रखने की बात रहेगी आपके मामले में, कुंभ राशि वालों के मामले में।
स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव के स्वामी चंद्रमा कर्क राशि है। उनका गोचर तो सभी राशियों में हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर अवश्य ही चलना होगा। पूरे 6 महीने ध्यान रखना होगा। अगर स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या पहले से चल रही है तो आप ध्यान रखकर चलें, वो समस्या आपकी बढ़ सकती है। 30 अक्टूबर तक के समय में अगर समस्या बढ़ती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें, वरना वो समस्या फिर गंभीर भी हो सकती है। और अगर स्वास्थ्य के मामले में नवंबर दिसंबर में भी कोई समस्या होती है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन नवंबर और दिसंबर स्वास्थ्य के मामले में इतनी दिक्कत वाले नहीं है, लेकिन अक्टूबर तक का समय आपको स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत दिखा सकता है, वहाँ पर समस्याएं आपको हो सकती हैं। राहु के साथ आपके दूसरे भाव के स्वामी गुरु की युति है। हालांकि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं जो आपके राशि स्वामी हैं, आपकी राशि में ही रहेंगे। आपको कोई भी समस्या होगी उसमें आराम मिल जाएगी, आप उस समस्या से निकल भी जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर तो चलना ही होगा। खासकर 30 अक्टूबर तक स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो बिल्कुल कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें। और अगर आप अपने स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मैं सदैव यही कहता हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो आप कोताही बिल्कुल ना बरतें। हालांकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य समय तो कह ही सकते हैं। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। बुध का गोचर अगर हम देखें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में, तो 8 जुलाई से उनका कर्क राशि में गोचर प्रारंभ होगा। छठे भाव में गोचर प्रारंभ होगा बुध का, धनु राशि तक अपना गोचर करेंगे, आय भाव तक करेंगे। तो यहाँ पर जो उनके छठे भाव से लेकर एकादश भाव तक जो गोचर होगा बुध का, तो यहाँ पर लगभग सारा समय अच्छा ही रहेगा। शिक्षा में आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि तीसरे भाव में राहु का गोचर है, 30 अक्टूबर तक आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और मेहनत आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो शिक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। शिक्षा के लिए सारा समय अच्छा है 30 अक्टूबर तक के समय में। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि एकाग्रता बनाकर रखें, अपने मित्रों के साथ समय खराब नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय खराब कर सकते हैं, फिर वहां पर परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। 30 अक्टूबर तक का समय, इस बात का ध्यान रखें। नवंबर दिसंबर बेहतर है, और 30 अक्टूबर तक अगर एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो शिक्षा में सदैव आप अच्छा कर पाएंगे। अगर विदेश में कोई दाखिला वगैरह लेना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम इस समय पर मिलेंगे। आप दाखिला लेने का भी प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है, यानी आपका दाखिला हो सकता है और आप विदेश में पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे अच्छा कर पाएंगे। आप प्रायिक संबंधों के लिए कुंभ राशि वालों के लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे इन 6 महीनों में, लेकिन 17 सितंबर से लेकर और 17 नवंबर तक का जो समय होगा, ये जो 2 महीने होंगे, यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा यहाँ पर इस समय पर, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें आपकी आपके साथी को चुभ जाएंगी और व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं। 17 सितंबर से 17 नवंबर तक का जो समय है, यहाँ पर अपने वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह का कोई बात विवाद ना होने दें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन साथी को मना सकते हैं, वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है और अपने साथी को मनाने का प्रयास यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम दे सकता है, मतभेद आपके दूर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके प्रथम भाव में शनि का गोचर है, सप्तम भाव में सूर्य का गोचर है, अहम से दूर रहना होगा, क्रोध से बचना होगा, वरना वाद विवाद भी हो जाएंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में सप्तमे सूर्य का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा और राशि स्वामी शनि आपके प्रथम भाव में है, तो अगर आपने जरा सा भी अहम दिखाया, क्रोध दिखाया, तो बात विवाद भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य से, संयम से कार्य करेंगे, अपने साथी को मनाएंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। 17 सितंबर से और 17 नवंबर तक का जो समय है, वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कोई बात विवाद वैवाहिक संबंधों में ना हो, इस बात का ध्यान रखें, वरना वो बड़ा होगा। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई बात विवाद चल रहे हैं तो वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो 17 सितंबर से 17 नवंबर के समय को याद रखें, बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं।
और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो यहाँ पर देखें तो नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा होगा जब कुंभ राशि वालों के कुछ लोगों की शादी की बात भी पक्की होगी और कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। वहाँ पर शादी के लिए अच्छा समय रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए कुल मिलाकर अगर देखें तो मिले जुले से परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं। बुध का गोचर हमने पहले भी देखा है कि छठे भाव में कर्क राशि से लेकर 8 जुलाई को कर्क राशि में वो आएंगे और धनु राशि तक उनका गोचर रहने वाला है। तो बुध का जो गोचर है वो अच्छा है, वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है। पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ समय ऐसा होगा जब आपको अपने साथी के साथ वाद विवाद से बचना होगा और वो समय होगा 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का। वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा, अपने साथी के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना हो। यहाँ पर रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। यहाँ पर कोई वाद विवाद आपका ना हो ये आप कोशिश करें, वरना वो वाद विवाद आपका बढ़ सकता है। तो प्रेम संबंधों के मामले में 1 अक्टूबर से लेकर और 6 नवंबर तक का समय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया ना दें अपने साथी के साथ जो कि आपके संबंधों में वाद विवाद खड़ा हो। बाकी सारा समय प्रेम संबंधों के लिए बेहतर परिणाम दिखा रहा है, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। और साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद है तो आप उनको भी समाप्त कर सकते हैं, वो भी आपके समाप्त होंगे। प्रेम संबंधों में अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रहे कि आप में तनाव और क्रोध और जिद हावी रहेगी। आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और वाणी के भाव के स्वामी की राहु के साथ युति भी है, तो वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना किसी भी संबंध में आपके वाद विवाद हो सकते हैं आपके क्रोध के चलते, आपकी जिद के चलते। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि शनिवार वाले दिन आप शनि भगवान की पूजा उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और शनि भगवान पे सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। और आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान करें, किसी किसी शनिवार को लोहे का बर्तन दान करें और किसी किसी शनिवार को आप भोजन करा दें किसी गरीब व्यक्ति को, ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप 6 के 6 महीने करते रहें, आप देखेंगे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।